वेलकम टू एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग कुछ और रिलेशंस पे बात करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ रिलेशंस पे बात किया था। आज जो हम लोग रिलेशंस पे बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पॉलिटेक्निक सिलेबस के हिसाब से रिलेशन हम लोगों को रीड करना है, मतलब वो जो पॉलिटेक्निक सिलेबस में मेंशन है, तो रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस, ये रिलेशन हमें पॉलिटेक्निक सिलेबस के हिसाब से रीड करना है। बट इस रिलेशन को रीड करने से पहले हम लोगों को दो रिलेशन को रीड करना ज़रूरी है, जो कि एक रिलेशन मैंने पिछले क्लास में रीड हम लोगों ने बात उस रिलेशन पे कर लिया है, ठीक है। और दूसरा रिलेशन जो है वो अभी हम लोग बात करेंगे, क्लियर। तो दूसरा रिलेशन क्या है, वो आपके बोर्ड पे मेंशन है कि रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, एंड पॉइजंस रेशियो, इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, या फिर किसी किसी बुक में 1/m से भी डिनोट किया जाता है, क्लियर। चलिए अब इस रिलेशंस पे हम लोगों को बात करना है, इस रिलेशंस को डिफाइन करना, मतलब प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, तो एक हम लोग कंसिडर करते हैं, मतलब एज्यूम करते हैं क्यूब ब्लॉक को, जिसका लेंथ या साइड्स का ये 1 यूनिट का होता है, मतलब ये एज्यूम करके चलते हैं। उसी बेस्ड पे हम लोग, उसी के बेसिस पे हम लोग इस रिलेशन को प्रूफ करेंगे, क्लियर क्लियर। चलिए देखिए कि एक हम क्यूब लेके चल रहे हैं, ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा एक क्यूब है और जिसका साइड यूनिट लेंथ है, ये हमारा बेस है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम दे दें ए बी सी एंड डी, ये क्यूब है ऑफ यूनिट लेंथ, ठीक है। एंड सब्जेक्टेड टू प्योर शियर, इस क्यूब पे जो है केवल शियर ही अप्लाई हो रहा है, ठीक है। उस केस में हम लोगों को रिलेशन प्रूफ करना है, मतलब आपको याद रखना है क्या क्या एज्यूम करते हैं। फर्स्ट एज्यूम कर रहे हैं कि क्यूब ब्लॉक ऑफ यूनिट लेंथ एंड सब्जेक्टेड टू प्योर शियर, प्योर शियर के केस में ही हम लोगों को रिलेशन प्रूफ करना है। इसमें मतलब कहीं से भी कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम कहीं एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, इस रिलेशन को प्रूफ करने के लिए। तो देख लीजिए, ये हमारा शियर स्ट्रेस लग रहा है साइड ए बी एंड डी सी पे, मैग्नीट्यूड टॉ, एंड साइड ए डी एंड बी सी पे भी दिखा दें, ये भी टॉ, ये भी टॉ। जब इसमें प्योर शियर अप्लाई होगा तो ये क्या करेगा, बॉडी डिफॉर्मेशन डेवलप करेगा, क्लियर। इसका डिफॉर्मेशन कैसा होगा, तो ये आप शेप देख लीजिए, इस तरह का डिफॉर्मेशन, मतलब डिफॉर्मेशन के बाद हमारा बॉडी का शेप कैसा रह जाएगा, तो बॉडी का शेप ऐसा रह जाएगा, क्लियर। ये पॉइंट हो जाएगा ए डैश, ये पॉइंट बी डैश और सी डी तो है ही। डिफॉर्मेशन अब होने के बाद, मतलब जब हम प्योर शियर्स अप्लाई कर रहे हैं इस क्यूब ब्लॉक में, उसके बाद ये डिफॉर्मेशन डेवलप कर रहा है, और डिफॉर्मेशन डेवलप करने के बाद उसका शेप ए डैश बी डैश सी डी हो जा रहा है। और डिफॉर्मेशन डेवलप करने से पहले जो ब्लॉक का शेप था वो ए बी सी डी है, क्लियर। चलिए तो ये जो हमारा हो रहा है, ये एंगल ये फाई हो रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं शियर स्ट्रेन, क्लियर। ये जो दोनों एंगल के, दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है, इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, और इसी का नाम है शियर स्ट्रेन, क्लियर। तो चलिए अब इसको जो हम लोग एज्यूम किए हैं लैंग्वेज को, वो लैंग्वेज को राइट कर लेते हैं। तो लैंग्वेज आप देख लीजिए, लैंग्वेज क्या है, लेट द क्यूब ए बी सी डी, ये जो क्यूब है इसको हम लोग मान लिए हैं ए बी सी डी हैविंग साइड्स ऑफ यूनिट लेंथ, और इसका जो साइड्स है वो यूनिट का है, यूनिट लेंथ का है। बी सब्जेक्टेड टू प्योर शेयर, प्योर शेयर में यहाँ पे दिखा देते हैं कि हम लोग जो शेयर लेके चल रहे हैं वो टॉ है, प्योर शेयर टॉ एज सोन इन फिगर। अब डिफॉर्मेशन के बाद ब्लॉक का जो सेफ है, द ब्लॉक विल डिफॉर्म टू द सेफ ए डैश बी डैश सी डी, क्लियर। चलिए अब हमें, मतलब हमारा कहिए कि यहाँ पे डेरिवेशन ड्राइव हो चुका है 50%, क्योंकि इसी फिगर पे बेस्ड है सारा रिलेशन। अब हम लोग ज्योमेट्री से अप्लाई करते हुए रिलेशन को प्रूफ करेंगे, क्लियर। चलिए देखिए, चलते हैं इन ट्राइंगल,
इन ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल में चल रहे हैं बी बी डैश सी, बी बी डैश सी, ये ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको, इस ट्रायंगल में चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि टेन फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई बी। तो टेन फाई के लिए पी हमारा बी बी डैश डिवाइडेड बाई बी बी सी हो जाएगा। नहीं समझ में आ रही बात, देखिए आप एक ट्रायंगल लेके दिखा रहे हैं आपको हम, ये ट्रायंगल है और इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं, इसका एंगल जो है वो थीटा है। ये हमारा, जब ये एंगल थीटा हो गया तो इसके लिए ये पी हो जाएगा, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, ये पी हो गया और ये बी हो गया। जब हम यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू तो क्या लिखेंगे, पी बाई बी और ये एच है तो पी बाई बी। पी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इस साइड पी इसी साइड का नाम है ना, तो इस साइड का नाम क्या लिख सकते हैं बी सी, डिवाइडेड बाई बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं बी के प्लेस पे, इस साइड का नाम बी का जो साइड है हमारा बेस का ए बी लिख सकते हैं ना। तो टेन थीटा इज इक्वल टू इतना। अगर आपको इस ट्रायंगल से समझ में नहीं आ रहा हो, बहुत लोगों को समझ में आ रहा हो और जिन आ रहा होगा, जिन लोगों का ज्योमेट्री कमजोर है उनको नहीं आ रहा होगा, तो आपको याद रखना है कि इस तरह का ट्रायंगल हम लिए, ठीक है, और उस ट्रायंगल में टेन फाई यहाँ पे थीटा के जगह पे आप अगर दिखा दें तो फाई हम फाई कंसिडर कर रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ एंगल फाई है। तो टेन फाई इज इक्वल टू पी बाई बी। तो पी क्या होता है, जो सामने वाला एंगल के सामने वाला पी होता है और इस परपेंडिकुलर से जो कनेक्टेड रहता है बेस में, ये बी होता है। तो देख लीजिए आप, ये सामने वाला पी हो गया और इससे कनेक्टेड परपेंडिकुलर ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये पी हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं फॉर स्मॉल एंगल। स्मॉल एंगल के लिए क्या हो जाता है, टेन फाई ऑलमोस्ट फाई के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे जब फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बी डैश बाई बी सी, यही होगा ना। अब बी सी साइड क्या है, देख लीजिए यहाँ पे, हैविंग साइड्स ऑफ यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ एज्यूम करके चल रहे हैं ना, तो ये ए बी बी सी सी डी ए डी सारा वन मैग्नीट्यूड का है। तो बी सी क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू वन यूनिट। तो जब बी सी का रिजल्ट यहाँ पुट करेंगे तो फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी बी डैश, यही आ जाएगा ना। चलिए ये हम लोग यहाँ पे तक पहुँच चुके हैं, अब आगे क्या करना है, आगे हम लोग जानते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन, क्लियर। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि वी नो डैट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को डिनोट किससे किया जाता है, जी से। जी इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, तो शियर स्ट्रेस को डिनोट करते हैं टॉ से और शियर स्ट्रेन को फाई से, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग फाई का रिजल्ट इस इक्वेशन में रख दें, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ फाई, फाई का इक्वेशन रख रहे हैं इसमें, मतलब रिजल्ट जी इज इक्वल टू टॉ बाय बी बी डैश, कोई दिक्कत। अब यहाँ से हम लोग बी बी डैश का रिजल्ट देख लीजिए, बी बी डैश इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से टॉ बाई जी लिख सकते हैं ना, टॉ बाई जी, इसको इक्वेशन नंबर वन मान लीजिए, ठीक है। ये फाई क्या है और टॉ क्या है, जी क्या, ये पता है ना, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, ये शियर स्ट्रेस है और ये शियर स्ट्रेन है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है ये, इट इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। चलिए ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे देखिए। अब चलते हम लोग इन ट्रायंगल, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ी देर के लिए इसको, इस शियर स्ट्रेस को मिटा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट से, पॉइंट ए से, ये हमारा क्या है, ये ए सी क्या है, डायगोनल है ना, दिखा दीजिए, ये लाइन डायगोनल है, डायगोनल ए सी है। अब जब डिफॉर्मेशन होने के बाद, जब आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ शेयर, प्योर शेयर, तो डिफॉर्मेशन जब हमारा डेवलप कर रहा है तो उस केस में क्या हो रहा है, डायगोनल इंक्रीज कर जा रहा है, डायगोनल का लेंथ इंक्रीज कर रहा है ना, देख लीजिए।
डायगोनल एसी का जो लेंथ है वो इंक्रीज कर जा रहा है, बट डायगोनल बीडी का जो लेंथ है वो डिक्रीज कर जा रहा है, दिख रहा है आपको? तो इससे क्या पता चल रहा है कि डायगोनल एसी में क्या हो रहा है, टेंशन डेवलप कर रहा है तभी तो इलोंगेशन हो रहा है, और डायगोनल बीडी में क्या हो रहा है कि कंप्रेशन डेवलप कर रहा है तभी तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब उसका लेंथ डिक्रीज कर रहा है, तभी तो कब डिक्रीज करेगा लेंथ, जब उसमें कंप्रेशन होगा, और लेंथ कब इंक्रीज करेगा, जब उसमें टेंशन होगा। तो डायगोनल एसी में क्या हो रहा है, टेंशन डेवलप कर रहा है, डायगोनल बीडी में क्या हो रहा है, तो कंप्रेशन डेवलप कर रहा है, क्लियर? तो फाइनली हम लोगों को यहाँ पे क्या निकालना है, हमें निकालना है यही स्ट्रेन, क्लियर? इसमें जो लेंथ जो इंक्रीज किया तो स्ट्रेन अलोंग डायगोनल एसी ये निकालना है, ये इस फिगर को देखते हुए, और एक स्ट्रेन और निकालना है जब हमारा स्ट्रेस अलोंग डायगोनल गिव पता चल जाएगा हमको प्योर शियर के केस में। तो दो डायगोनल, ये दो स्ट्रेन का रिजल्ट आएगा अलोंग डायगोनल एसी, तो दोनों को इक्वेट करके वहाँ से हम लोग रिलेशन को प्रूव करेंगे, क्लियर? तो देख लीजिए कि ये हमारा डायगोनल है डिफॉर्मेशन होने के बाद, इसका नाम क्या है, ए डैश सी, ये क्या है, ये पॉइंट ए डैश है, ए डैश, और ये वाला पॉइंट जो है आफ्टर डिफॉर्मेशन ये बी डैश है, ठीक है? अब इस पॉइंट से, ए पॉइंट से ध्यान दीजिए, ए पॉइंट से हम यहाँ पे इस पर परपेंडिकुलर लाइन डाल रहे हैं, मतलब ये एंगल 90 डिग्री, क्लियर? और इस पॉइंट का नाम देते हम ए डबल डैश, कोई दिक्कत दिख रहा है ना आपको? चलिए, अब इसका नाम ए डैश है, इस पॉइंट ए से हम लोग डायगोनल ए डैश सी पे परपेंडिकुलर एक लाइन डाले हैं, जो उस पॉइंट का नाम है ए डैश डैश, मतलब ए डबल डैश, ठीक है? अब चलेंगे हम लोग इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, ये छोटे वाले ट्राइंगल में चलेंगे, ए डैश ए ए डबल डैश, यही है ना, ए डैश ए ए डबल डैश, ये ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल से हम लोग कुछ रिलेशंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि ये एंगल कितना होगा, जब हमारा लोड, सॉरी, जब हमारा अप्लीकेशन नहीं हो रहा स्ट्रेस, उस केस में एंगल ये कितना होता है, डायगोनल का एंगल 45 डिग्री होता है ना, तो ये एंगल भी आफ्टर अप्लीकेशन ऑफ शियर स्ट्रेस, ये एंगल भी ऑलमोस्ट 45 डिग्री ही होगा, ऑलमोस्ट, ध्यान दी, मैं क्या बोल रहा हूँ लैंग्वेज, ऑलमोस्ट या अप्रॉक्सीमेटली 45 डिग्री ही होगा। तो एंगल ए ए डैश सी इज इक्वल टू, मतलब अप्रॉक्सीमेटली को इस तरह से दिखाते हैं 45 डिग्री। चलिए अब चलते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ए डैश ए ए डबल डैश, ये छोटे से ट्रायंगल में देखिएगा, तो यहाँ पे कॉस लेके चल रहे हैं, कॉस 45 डिग्री क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, ये जो इलोंगेशन हो रहा है इस डायगोनल एसी में, क्योंकि ये जो डायगोनल दिख रहा है आपको, एसी का जो लेंथ है और ए डबल डैश सी का जो लेंथ है, दोनों लेंथ बराबर होगा, ठीक है, फिगर में आपको दिख रहा होगा, बट ये जो कितना एक्सटेंड कर रहा है, मतलब कितना इसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है, कितना इलोंगेशन हो रहा है, वो फाइंड आउट करना है, तभी तो हम फिर स्ट्रेन निकाल पाएंगे। स्ट्रेन अलोंग डायगोनल एसी क्या हो जाएगा, ए डैश ए डबल डैश डिवाइडेड बाय ए डबल डैश सी, यही होगा ना? तो हम लोग ए डैश ए डबल डैश फाइंड आउट करने जा रहे हैं, इसीलिए कॉस 45 डिग्री लेके चल रहा है। कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, ये एंगल 45 है, तो इसके लिए बी ये हो गया, इसके लिए पी ए हो गया, बी ए हो गया और एच ए हो गया, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बी बाय एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बी बाय एच। तो हमारा यहाँ पे कॉस 45 डिग्री है, तो बी कौन क्या हो जाएगा, ए डैश ए डबल डैश डिवाइडेड बाय एच हो गया, ए ए डैश, क्लियर, ए ए डैश, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं और इसको डिलीट करते हैं, यहाँ से हम लोग अब चलते हैं, देखिए ऊपर चल रहे हैं डायरेक्ट, कॉस 45 डिग्री का रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसको हम लोग 1/√2 लिख सकते हैं, कॉस 45 डिग्री का रिजल्ट ये होता है ना, 1/√2 इज इक्वल टू ए डैश ए डबल डैश डिवाइडेड बाय ए ए डैश के प्लेस पे हम लोग बी बी डैश को लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जब डिफॉर्मेशन जितना इस
मतलब इस सरफेस पे जितना डिफॉर्मेशन इधर होगा उतना ही डिफॉर्मेशन हमारा एडी में भी होगा, सेम होगा ना। मतलब ये लेंथ और ये लेंथ दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? सेम होगा। जितना इधर डिफॉर्मेशन होगा उतना ये इधर ये भी डिफॉर्मेशन होगा। तो हम यहाँ पे ए ए डैश के जगह पे बी बी डैश लिख सकते हैं। बी बी डैश क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि होता है ए ए डैश इज इक्वल टू बी बी डैश, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग निकाल लें ए डैश ए डबल डैश इज इक्वल टू बी बी डैश बाय रूट टू। ये हमारा आ जा रहा है ए ए डबल डैश इज इक्वल टू बी बी डैश बाय रूट टू। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। अब हम लोग स्ट्रेन निकालेंगे अलोंग डायगोनल ए सी, निकाल लेते हैं। स्ट्रेन अलोंग डायगोनल एसी क्या हो जाएगा बताइए? डायगोनल एसी के अलोंग स्ट्रेन क्या हो जाएगा? चेंज इन लेंथ, यही लेंथ हो रहा है ना डिफॉर्मेशन होने के बाद। मतलब ए ए डबल डैश सी हमारा चेंज इन लेंथ है और ओरिजिनल लेंथ क्या है? ए डबल डैश सी इज इक्वल टू ए सी। ये दोनों लेंथ सेम होता है तो हम लोग यहां से लिख लेते हैं क्या हो जाएगा? ए डैश ए डबल डैश डिवाइडेड बाय ए डबल डैश सी। अब यहां से मैं चल रहा हूं, इसको रहने दीजिए, यहां से राइट साइड चल रहे हैं। ए डैश ए डबल डैश डिवाइडेड बाय ए डबल डैश सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए डबल डैश सी को ए सी लिख सकते हैं। देख लीजिए ए डबल डैश में मार्कर देख रहे हैं, ए डबल डैश सी इज इक्वल टू ए सी होगा ना फ्रॉम ज्योमेट्री, हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ए डबल डैश सी के जगह पे ए सी। यहाँ पे कैसे होगा? क्योंकि ए डबल डैश सी इज इक्वल टू ए सी, इसलिए ये क्या है हमारा स्ट्रेन है अलोंग डायगोनल ए सी। तो ए डैश ए डबल डैश डिवाइडेड बाई ए सी आ गया। अब यहाँ पे हम लोग ए डैश ए डबल डैश का रिजल्ट इक्वेशन टू से पुट कर दें। इक्वेशन टू का में आया है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन टू, दिमाग एकदम भारी नहीं करना है, सब कुछ ज्योमेट्री से हम लोग चल रहे हैं। फर्स्ट में इस ट्रायंगल के लिए चले बी बी डैश सी, सेकेंड में ये ट्रायंगल लेके चल रहे हैं ए ए डैश ए डबल डैश, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन टू आपको दिख रहा है इसलिए मैं बोर्ड पे मिटाया नहीं हूँ। ए डबल डैश का रिजल्ट क्या है? बी बी डैश बाय रूट टू। यहाँ पे पुट कर दीजिए, ए डबल डैश का रिजल्ट आ जाएगा बी बी डैश बाय रूट टू इन टू ए सी। ये आया ना। अब ए सी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ए सी का मैग्नीट्यूड कितना होगा देखिए आप फिगर में। ए बी कितना है आपको पता है ना, हम लोग कंसिडर किए थे यूनिट लेंथ, तो ए बी वन है। बी सी कितना है? वो भी वन है। तो ए सी हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से, तो ए सी इज इक्वल टू वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर रूट अंडर निकलेगा ना, तो ये कितना आ जाएगा? रूट टू आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब यहाँ से मैं इस साइड चल रहा हूँ तो आप देख लीजिए स्ट्रेन अलोंग डायगोनल ए सी क्या लिखे थे यहाँ पे? बी बी डैश डिवाइडेड बाय रूट टू इंटू ए सी का रिजल्ट यहाँ आ चुका है रूट टू। रूट टू यहाँ रख दीजिए, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो बी बी डैश बाई टू। ये क्या आ रहा है? बी बी डैश बाई टू, ये आ रहा है हमारा स्ट्रेन अलोंग द डायगोनल ए सी, ठीक है। अब आप देखिए कि बी बी डैश का रिजल्ट हम लोग इसमें पुट कर दें। चलिए पुट करते हैं, इसको मिटा रहे हैं, लिखते हैं स्ट्रेन, ये क्या है हमारा स्ट्रेन ही है ना, लिखते हैं यहाँ स्ट्रेन अलोंग डायगोनल ए सी क्या है? ये है हमारा बी बी डैश बाई टू। अब देखिए बी बी डैश का रिजल्ट यहाँ से पुट कर दें, फ्रॉम इक्वेशन वन,
इक्वेशन वन में क्या है, बी बी डैश का रिजल्ट टॉ बाई जी कैपिटल जी, तो इससे पुट कर दे रहे हैं इस इक्वेशन, हाँ पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, टॉ बाई जी इंटू टू पहले से है, देख लीजिए कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, बी बी डैश का रिजल्ट इस इक्वेशन से हम लोग पुट कर रहे हैं टॉ बाई जी, टॉ बाई जी यहाँ लिख दिए, टू यहाँ पहले से मौजूद है तो टू को फिर उसी तरह से लिख दिए, तो ये कितना हो जाएगा टॉ बाय टू जी, ये क्या आ रहा है हमारा स्ट्रेन अलोंग डायगोनल ए सी आ रहा है, इसको इक्वेशन नंबर थ्री मान लीजिए, बस कुछ भी नहीं करना है, एकदम आसान है, बस आपको माइंड को यहाँ पे ओपन रखना है, थोड़ा सा भी भारी नहीं करना है। चलिए ये आ चुका है हमारा, अब हम लोग स्ट्रेन निकालेंगे स्ट्रेस के टर्म में, तो निकाल लेते हैं स्ट्रेस के टर्म में स्ट्रेन कैसे निकलेगा, तो स्ट्रेस अलोंग डायगोनल एसी, देखिए स्ट्रेस अलोंग डायगोनल एसी एसी इसको हम लोग सिग्मा वन मान ले, एज्यूम कर रहे हैं सिग्मा वन, तो सिग्मा वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा वो टॉ ही होगा और इसका नेचर होगा टेंसाइल, टेंसाइल देख लीजिए यहाँ पे आप समझिए, इस फिगर में डायगोनल एसी यहाँ पे हम जो निकाल रहे हैं स्ट्रेस अलोंग डायगोनल एसी, तो डायगोनल एसी के अलोंग जो हमारा हो रहा है नेचर टेंसाइल हो रहा है कि कॉम्प्रेसिव नेचर का हो रहा है, टेंसाइल हो रहा है क्योंकि इसी में तो डिफॉर्मेशन डेवलप कर रहा है ना, और डायगोनल बी सी बी डी में क्या हो रहा है कॉम्प्रेशन हो रहा है क्योंकि यहाँ डिफॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इलोंगेशन तो हो नहीं रहा, इसका लेंथ डिक्रीज कर रहा है, यहाँ लेंथ इंक्रीज कर रहा है तो टेंशन हो रहा है, इसलिए नेचर टेंशन होगा अलोंग डायगोनल ए सी में। अब स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, स्ट्रेस अलोंग डायगोनल ए सी टॉ ही क्यों होगा, तो प्योर शेयर के केस में डायगोनल ए सी जो हमारा प्योर शेयर होगा उस केस में दोनों में दोनों डायगोनल के अलोंग हमारा रिजल्ट क्या होगा तो टॉ ही होगा, क्लियर। अगर कैसे आप बोलिएगा कैसे होगा, तो इसको हम लोग प्रूफ करके प्रिंसिपल स्ट्रेस में अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे इस पर डीपली, ठीक है। प्योर शेयर के केस में जो स्ट्रेस होता है हमारा सिग्मा वन और सिग्मा टू, मतलब डायगोनल ए सी के अलोंग और डायगोनल बी डी के अलोंग, दोनों का रिजल्ट सेम ही होता है बट नेचर अलग अलग होता है, तो नेचर तो आपको दिख ही रहा है कि एक डायगोनल में टेंसाइल होगा नेचर है, दूसरे डायगोनल में कॉम्प्रेसिव होगा, क्लियर। लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों में सेम होता है, ये हम लोग अगले क्लास में प्रूव करके देख लेंगे, यहाँ पे आप याद रख लीजिए। तो स्ट्रेस अलोंग डायगोनल ए सी इसको हम लोग सिग्मा वन वन मान लिए, सिग्मा वन इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड टॉ हो रहा है किस नेचर का, टेंसाइल नेचर का। अब स्ट्रेस अलोंग डायगोनल क्या है ये बी डी, डायगोनल बी डी इस स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा टू मान लें, तो सिग्मा टू इज इक्वल टू यहाँ भी टॉ ही होगा बट इसका नेचर कॉम्प्रेसिव होगा, टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव समझ रहे हैं ना, टेंसाइल का मतलब पॉजिटिव और कॉम्प्रेसिव का मतलब नेगेटिव, जब इसका मैग्नीट्यूड हम पुट करेंगे वहाँ तो प्लस और माइनस साथ में पुट करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेस हमें पता चल चुका है, और हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में पढ़े थे ना पिछले क्लास, जब हमारा बाई एक्सियल लोडिंग के लिए, यूनी एक्सियल लोडिंग के लिए और ट्राई एक्सियल लोडिंग के लिए जब हम लोग निकालते थे, याद कीजिए थोड़ा सा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेन अलोंग एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन अलोंग वाई डायरेक्शन, स्ट्रेन अलोंग जेड डायरेक्शन, यही है ना, तो बस यही स्ट्रेन हमको निकालना है अलोंग डायगोनल ए सी, तो यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रेन अलोंग डायगोनल एसी, एसी डायगोनल के अलोंग स्ट्रेन लिख रहे हैं, ठीक है। और इससे पहले भी हमारा जो रिजल्ट आया है इन टर्म्स इस फिगर से क्या आया है, टॉ बाई टू जी, ये इक्वेशन नंबर थर्ड है, ये भी स्ट्रेन अलोंग डायगोनल एसी ही है, और यहाँ भी स्ट्रेन अलोंग डायगोनल एसी है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस। तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या लिखते थे, मान लीजिए अगर हमारा ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और हमको रिजल्ट निकलना हो एप्सिलॉन x का, क्या लिखते थे, मतलब स्ट्रेन अलोंग एक्सिस x क्या लिखते थे, हम लोग लिखते थे ना सिग्मा x बाई माइनस म्यू सिग्मा y बाई, याद आया कुछ, जाके देख लीजिए पिछला क्लास का वीडियो, उसमें हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई तो नहीं है बट सिग्मा वन सिग्मा टू है, तो हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा वन बाई माइनस म्यू सिग्मा टू बाई, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे रिजल्ट पुट कर दें, रिजल्ट तो सिग्मा वन का रिजल्ट कितना है, टॉ है, तो टॉ डिवाइडेड बाई ई इस फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं माइनस म्यू, और सिग्मा टू का रिजल्ट क्या है, टॉ है बट नेचर कॉम्प्रेसिव है तो इसलिए माइनस हो जाएगा, माइनस टॉ बाई, यहाँ पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि इसका नेचर टेंसाइल है, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रेन आ चुका है टॉ बाई ई, और ये माइनस माइनस प्लस म्यू टॉ बाई, यहाँ से हम लोग टॉ बाई ई को कॉमन ले लेंगे तो वन प्लस म्यू बचेगा। इस इक्वेशन को मान लीजिए इक्वेशन नंबर फोर, ठीक है। स्ट्रेन अलोंग डायगोनल एसी हमारा इक्वेशन थर्ड आ चुका है, स्ट्रेन अलोंग डायगोनल एसी ये हमारा इक्वेशन फोर्थ आ चुका है, दोनों क्या है, स्ट्रेन ही है, तो दोनों को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, कर लीजिए, इक्वेटिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड क्या है, टॉ बाई टू जी इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो गया, टॉ बाई ई वन प्लस म्यू, ये हो गया ना। अब यहाँ देखिए आप इसको, यहाँ पे हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, मतलब रिलेशन को ड्राइव कर रहे हैं, टॉ टॉट कैंसिल हो जाएगा, ये ई इधर डिवाइड में है तो लेफ्ट साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू जी राइट साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इज इक्वल टू टू जी वन प्लस म्यू, ये आ रहा है ना, यही रिलेशन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखना है आपको। तो रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजंस रेशियो क्या आ रहा है, ई इज इक्वल टू टू जी वन प्लस म्यू, ठीक है, इसको याद रखना है, डेरिवेशन ड्राइव करने के लिए भी एग्जाम में पूछा जाता है तो डेरिवेशन तो आपको याद रखना ही है, बट अगर डेरिवेशन नहीं पूछा गया तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले को याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो E इज इक्वल टू टू जी वन प्लस म्यू, इससे पहले क्लास में, पिछले क्लास में हमने एक रिलेशन और ड्राइव किया था, उस रिलेशन, वो रिलेशन क्या था याद है आपको, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, E इज इक्वल टू थ्री के वन माइनस टू म्यू, ये भी याद रखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, लाइफ टाइम के लिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब अगर आप लाइफ टाइम के लिए पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं तो, मतलब जब तक जॉब ना हो जाए, जॉब के बाद भी, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, E इज इक्वल टू, ये क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजंस रेशियो का रिलेशन है, ये क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजंस रेशियो, क्लियर। तो E इज इक्वल टू थ्री के वन माइनस टू म्यू इज इक्वल टू टू जी वन प्लस म्यू। चलिए अब मेन रिलेशन पे हम लोग आते हैं जो हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है। तो आप हेडिंग दीजिए, रिलेशन क्या है देख लीजिए, बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस, यही रिलेशन है जो सिलेबस में मेंशन है, इसी को हम लोगों को रीड करना है। तो देखिए, तो चलते हैं हम लोग वन बाय वन। सबसे पहला रिलेशन जो हम लोग पिछले क्लास में बात कर चुके थे, वी नो डैट, कौन सा रिलेशन बात किए थे पिछले क्लास में, ये वाला रिलेशन ना, तो इज इक्वल टू 3k 1 माइनस टू म्यू, इसको इक्वेशन नंबर वन मान लीजिए, ठीक है। अब आपको ये वाला रिलेशन जब पूछेगा तो डायरेक्ट आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है, या तो 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में पूछने जाएगा, पूछेगा अगर ये वो डायरेक्ट पूछ रहा है तो हो सकता है कि ज़्यादा चांस इसका मान के चलिए 6 मार्क्स में ही पूछेगा। तो आपको दोनों रिलेशन को पहले फाइंड आउट करना होगा, जो पिछले क्लास में बात किए थे और जो अभी जस्ट बात किए, दोनों रिलेशन को फाइंड आउट करने के बाद इसको ड्राइव करना है। अगर ये रिलेशन 2 मार्क्स में पूछ रहा है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट इस, मतलब यहाँ से चल सकते हैं, वी नो डैट इज इक्वल टू इतना, एंड नाउ जो अभी जस्ट हम लोगों ने प्रूव किया है इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। दोनों क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का ही रिलेशन है, तो हम लोग इक्वेट यहाँ भी कर लें, इक्वेटिंग इक्वेशन वन एंड टू, कर लीजिए इक्वेट, क्या हो जाएगा, 3k 1 माइनस टू म्यू इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू। यहाँ पे हम लोग
म्यू का रिलेशन निकालने जा रहे हैं, सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ह्यूमन ईरा रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी एंड बल्क मॉडुलस का रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो ये तो रिलेशन आ ही गया, तो अभी हमको इस फर्स्ट ही इक्वेशन पे चलना है। ये ह्यूमन ईरर है, सभी लोगों से गलती होती है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अभी जो फर्स्ट इक्वेशन हम लोग चले थे वो ई इज इक्वल टू 3k1 - 2μ, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमें रिलेशन ई के एंड जी का रिलेशन लाना, नोट म्यू का, ठीक है। तो म्यू को एलिमिनेट करना है, तो म्यू को हटा लीजिए, तो यहाँ पे ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3k, और ये मल्टीप्लाई जब करेंगे इसको तो -6kμ ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से म्यू इज इक्वल टू अगर हम लिखना चाहें तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3k - e/6k, यही आएगा ना। अब इस इक्वेशन को आप मान लीजिए 1, ठीक है। नाउ थोड़ा सा ध्यान देना है बस, ये जो हमसे मिस्टेक हुआ ये मैं इसको डिलीट नहीं करूँगा, इसलिए डिलीट नहीं करूँगा क्योंकि आपसे भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसको मैं रखूँगा, आप इसको ध्यान में रखना है आपको कि ये मिस्टेक जो हम कर रहे हैं वो आपको नहीं करना है। चलिए, तो E इज इक्वल टू दूसरा रिलेशन जो अभी हम लोग प्रूफ किए जस्ट, इज इक्वल टू 2g 1 + μ, यहाँ भी म्यू इज इक्वल टू रिलेशन लेके आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 2g मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस 2g into μ। अब यहाँ से म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E - 2g/2g, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन, या फिर इक्वेट कीजिए क्योंकि दोनों म्यू का ही रिजल्ट है, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। तो क्या आ रहा है, 3k - e/6k, इक्वेशन फर्स्ट में यही आया है, और इक्वेशन सेकंड में क्या आया, इज इक्वल टू e - 2g/2g। अब इसको सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा 6kg - 2e/2g, अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6k को उधर लेके जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 6ek - 12kg। चलिए, अब ये 12kg है, इस 12kg माइनस में हम इस साइड लेके आ जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा 6kg + 12kg, और इधर क्या हो जा रहा है, 6ek, और ये -(-)+2eg, ये आ जा रहा है। यहाँ पे जब इस दोनों को ऐड करेंगे 6 और 12 को तो कितना आ जाएगा, 18kg इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन ले लें, 2e कॉमन ले लें, तो बचेगा क्या, k + g, ये बचेगा। अब e इज इक्वल टू यहाँ से क्या लिख सकते हैं, e इज इक्वल टू 18kg/2 और k + g, जब इसको कैंसिल करेंगे 2 से 9 में कैंसिल होगा, तो हमारा e इज इक्वल टू आ रहा है 9kg/k + g, ये भी आपको डायरेक्ट रिलेशन में मिलेगा, डायरेक्ट, ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो e इज इक्वल टू हमारा जो रिलेशन आ रहा है 9kg/k + g, यही आ रहा है ना, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा, ध्यान दीजिए आप। कहीं मिस्टेक भी हो रहा है, 12kg + 6 18kg, और ये हमारा 6e के
मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुम, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। सिक्स केजी है ना, तो रहने दिए, माइनस 12 केजी को राइट साइड लेके, सॉरी लेफ्ट साइड लेके आ रहे हैं तो प्लस हो जा रहा है। 6EK है पहले से हमारा अवेलेबल, और ये माइनस को हम राइट साइड लेके जा रहे हैं तो प्लस 2EG हो रहा है। अब यहाँ पे 2E कॉमन लिए हैं तो यहाँ 3 बचेगा ना, इसमें 3K ओनली, के थोड़ी बचेगा क्योंकि ये 6 है ना यहाँ, तो 2E जब इसमें कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा, 3K अब प्लस जी, ये मिस्टेक हो रहा था, क्लियर। चलिए तो ये हो गया हमारा 3K, अब यहाँ पे क्या बचेगा, तो ये भी 3K हो जाएगा। तो रिलेशन क्या आ रहा है, E = 9 kg डिवाइड बाई 3 kg, ये आपको याद रखना है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यही मेन रिलेशन है जो हम लोगों को रीड करना था। तो यहाँ E = 9 kg डिवाइड बाई 3K + G, ये रिलेशन आ रहा है जो हम लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग रीड करना था, जिस पे हम लोग रीड कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, तो एक प्रॉब्लम पे बात कर लेते हैं। चलिए प्रॉब्लम क्या है हमारा, ये आप देखिए, ये तीन रिलेशन आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है और याद रखना है। फर्स्ट रिलेशन क्या था, E = 3K (1 - 2µ), सेकेंड रिलेशन क्या है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, E = 2g(1 + µ), और थर्ड रिलेशन E = 9 kg/3K + g। तो ये भी याद रखना आसान है क्योंकि kg के ही टर्म में, ऊपर में 9 kg और नीचे में K + g का ही समेशन है, बस 3K + g, क्लियर। चलिए अब प्रॉब्लम देख लेते हैं हम लोग, प्रॉब्लम क्या कह रहा है, प्रॉब्लम है कि अ बार ऑफ 25 मिलीमीटर डायमीटर इज सब्जेक्टेड टू ए पुल ऑफ 40 kN। यहाँ पे एक बार है जिसका डायमीटर गिवेन है, मतलब ये कैसा बार होगा, तो सर्कुलर बार होगा, दिखा देते हैं आपको, ये सर्कुलर बार है, ठीक है। इसका जो डाया गिवेन है कितना है, 25 मिलीमीटर डाया है तो सर्कुलर है। अब इसमें क्या हो रहा है, लोड लग रहा है, सब्जेक्टेड टू ए पुल ऑफ 40 kN, पुल का मतलब टेंसाइल लोड, ये 40 kN का लोड लग रहा है, यहाँ भी हमारा 40 kN टेंसाइल लोड। आगे कह रहा है कि द मेजर्ड एक्सटेंशन ऑन गेज लेंथ, जो इसका गेज लेंथ है उसमें जो मेजर्ड एक्सटेंशन हो रहा है वो 0.085, और गेज लेंथ कितना है, मतलब इस बार का लेंथ कितना है, 200 मिलीमीटर, और इस जब इसमें टेंसाइल लोड 40 kN का लगा रहे हैं तो इसमें एक्सटेंशन कितना हो रहा है, 0.085, एंड चेंज इन डायमीटर, मतलब डायमीटर रिड्यूस करेगा तो वो कितना रिड्यूस कर रहा है, तो 0.003, तो इसलिए यहाँ पे एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कुछ नहीं है, सिर्फ लिखा गया चेंज इन डायमीटर, ठीक है, तो 0.003 मिलीमीटर। कैलकुलेट द पॉइजन्स रेशियो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस, मतलब ये चारों चीज़ को फाइंड आउट करना है। क्या क्या फाइंड आउट करना है, पॉइजन्स रेशियो (what, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी E = (what, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी G = (what) एंड लास्ट बल्क मॉडुलस यानी K = (what)। ये चार टर्म को फाइंड आउट करना है। अब आपको सोचना है कि कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले जो गिवेन डेटा है ये पहले आप राइट कर लीजिए। गिवेन क्या है कि डाया है, डाया ऑफ बार जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, ये कितना है, 25 मिलीमीटर। अब लोड कितना है, तो टेंसाइल लोड है गिवेन, टेंसाइल लोड जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, ये 40 kN का है, ठीक है। आगे कह रहा है मेजर्ड एक्सटेंशन ऑन गेज लेंथ, तो लेंथ ऑफ बार जिसको एल से डिनोट करते हैं, ये गिवेन है 200 मिलीमीटर, और इसमें जो एक्सटेंशन हो रहा है, तो एक्सटेंशन जिसको हम लोग लेंथ के डायरेक्शन में एक्सटेंशन हो रहा है ना, तो डेल एल से इसको डिनोट कर लें, तो डेल एल = कितना गिवन है, 0.085 मिलीमीटर, ठीक है। और क्या कह रहा है आगे, एंड चेंज इन डायमीटर, तो चेंज इन डायमीटर
जिसको हम लोग डेल डी कह सकते हैं, चेंज इन डाया। तो डेल डी इज इक्वल टू ये कितना है 0.003 मिलीमीटर, यही गिवन है ना, और कुछ गिवन नहीं है। तो जो गिवन है वो मैं राइट कर चुका हूँ, अकॉर्डिंग टू फिगर डायग्राम ड्रॉ कर चुका हूँ। अब हमको सोचना है कि पॉइजन रेशियो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस कैसे फाइंड आउट होगा। आप सोचिए कि सबसे पहले जब हमारा एक्सियल लोड लग रहा हो उस केस में जो डिफॉर्मेशन होता था, डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला जब हमारा एक्सियल लोड पी हो, उस बार का लेंथ एल हो, उसका डाया कुछ भी हो, जो भी डाया हो, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ ना कुछ होगा जब डाया है तो, ठीक है। और उस का मटेरियल, जिस मटेरियल से वो बना है बार, उसका मटेरियल या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उसका गिवेन हो ई, तो उस केस में डिफॉर्मेशन क्या होता था, याद है ना, पी एल बाय ई। तो यहाँ से निकल जाएगा, देखिए कैसे निकलता है, देख लीजिए। डिफॉर्मेशन यहाँ पे दिखा देते हैं आपको डायरेक्शन, ये हमारा एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है, ठीक है। डिफॉर्मेशन अलोंग लेंथ क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग डेल एल कहते हैं, ये क्या हो जाएगा, पी एल बाय ए ई, यही होगा ना। पी कितना गिवन है, 40 किलो न्यूटन, को उसको न्यूटन में कन्वर्ट कीजिए, 10^3 इंटू लेंथ 200 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया गिवन नहीं है, डायमीटर गिवन है, तो एरिया यहाँ पे लिख दीजिए पाई बाय 4 इंटू 25 का होल स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये फाइंड आउट करना, ये गिवन नहीं है, लेकिन डिफॉर्मेशन गिवन है, एक्सटेंशन गिवन है। यहाँ देख लीजिए प्रॉब्लम में ही ये मेंशन था, एक्सटेंशन इज इक्वल टू 0.085, क्लियर ना। तो यहाँ पे ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, तो ई फाइंड आउट नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ से जब हम लोग ई फाइंड आउट करेंगे तो ई का रिजल्ट हमारा आ रहा है, आपको दिखा देते हैं, ई इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 191.73 इंटू 10^3 इंटू 10^3 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। कुछ है इसमें क्वेश्चन, कितना लेंदी आपको लग रहा होगा कि कितना लेंदी क्वेश्चन है, कैसे बनेगा, कुछ भी था इसमें, बस आपको अपना दिमाग अप्लाई करना, बाकी सारा टर्म आप जान रहे हैं, अप्लाई कैसे करना है ये आपको खुद सोचना है, क्लियर। चलिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारा निकल चुका है, अब आगे हम लोग क्या निकाल लें, देखते हैं क्या निकलता है आगे, हमें तो पता नहीं है कि क्या निकलेगा, बट हम लोग देख लेते हैं। इसको मिटा दें, चलिए अब देखिए हमारा डिफॉर्मेशन जो गिवन है डाया का, मतलब चेंज इन डायमीटर, ये भी गिवन है, तो इस डायरेक्शन में हम स्ट्रेन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, स्ट्रेन क्या लिखेंगे, स्ट्रेन अलोंग डायमीटर क्या होगा, एप्सिलॉन डी से डिनोट कर दें, डी डायमीटर के लॉन्ग ले रहे हैं तो एप्सिलॉन क्या होता है, स्ट्रेन, और डायमीटर के लॉन्ग ले रहे हैं तो डी से डिनोट कर रहे हैं, तो एप्सिलॉन डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए स्ट्रेस तो हमारा यूनिएक्सियल ही है ना, लोड जो लग रहा है वो यूनिएक्सियल ही लग रहा है ना, मतलब अलोंग लेंथ लग रहा है, लेकिन हमें निकालना क्या है, अलोंग डाया। तो क्या लिखते हैं, जब हमारा स्ट्रेस या लोड एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा हो और लिखना हो हमें वाई एक्सिस के अलोंग स्ट्रेन, तो क्या लिखते थे, याद है आपको, लिखते थे ना माइनस म्यू क्या सिग्मा वाई बाय ई, अगर हम एप्सिलॉन एक्स लिख रहे हो, सॉरी एप्सिलॉन वाई लिख रहे हो, तो क्या लिखते थे, मतलब लिखना है स्ट्रेन अलोंग वाई डायरेक्शन, ध्यान में रखते हुए एक्स डायरेक्शन के लोड को, तो स्ट्रेन अलोंग वाई इज इक्वल टू माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई, यही ना लिखते थे, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो लोड लग नहीं रहा, याद है ना। तो अब यहाँ पे हम वाई नहीं मान रहे, ये डी मान रहे हैं, क्योंकि अलोंग डाया लिख रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ एक्स लिखाएगा, सॉरी सिग्मा एक्स है ना, वाई नहीं होगा, तो एप्सिलॉन डी इज इक्वल टू माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई, यही होगा ना। अब सिग्मा एक्स तो ये है नहीं, तो हम सिग्मा एल लिख देते हैं इसको, क्योंकि अलोंग स्ट्रेस अलोंग लेंथ हो रहा है,
लिख दीजिए। तो यहाँ से माइनस म्यू इंटू स्ट्रेस क्या हो जाएगा, लोड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। लोड क्या है, पी एल डिवाइडेड बाय एरिया इंटू ई। बस ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था कि एप्सिलॉन सिग्मा वाई ही हम लिख दिए थे, क्योंकि हम स्ट्रेन लिख रहे हैं वाई डायरेक्शन में और स्ट्रेस जो लग रहा है हमारा, जो लोड लग रहा है वो एक्स डायरेक्शन में, तो सिग्मा एक्स होगा। तो यहाँ पे हम एक्स डायरेक्शन में लेंथ को लिए हुए हैं तो सिग्मा एल लिख दिए, वाई डायरेक्शन में डायमीटर को लिए हुए तो एप्सिलॉन डी लिखे हुए हैं। क्लियर। चलिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस म्यू पी एल आपका गिवन है 40, पी एल गिवन है, पी एल गिवन है 40 इंटू 10^3 डिवाइडेड बाय एरिया, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 इंटू 25 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई को रहने दीजिए, और इधर एप्सिलॉन डी है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और दूसरा स्ट्रेन इन अलोंग डाया क्या लिखेंगे आप, एप्सिलॉन डी इज इक्वल टू 9, क्या लिखेंगे, चेंज इन डाया डिवाइडेड बाय डाया, यहाँ भी माइनस ही होगा क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, डायमीटर रिड्यूस कर रहा है, तो माइनस चेंज इन डाया क्या है, चेंज इन डाया गिवन है, तो माइनस 0.003 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डाया 25, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट में क्या था, माइनस म्यू इंटू 40 इंटू 10^3 डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 25 का स्क्वायर इंटू ई इज इक्वल टू, सेकेंड में क्या है, ये भी माइनस है 0.003 डिवाइडेड बाय 25, इसको मिटा दे रहे हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, म्यू का रिजल्ट यहाँ से आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो म्यू का रिजल्ट आएगा 0.28, ये इसका आंसर आ रहा है, आप चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, ठीक है। चलिए अब सेकेंड क्या है, म्यू निकल चुका है, ई निकल चुका है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस ये दो फाइंड आउट करना है हमको, तो हम लोग फाइंड आउट कर लें, तो हम लोग यहाँ से निकाल लें बल्क मॉडुलस निकाल लेते हैं। वी नो डैट रिलेशन जानते हैं ना हम लोग, रिलेशन जानते हैं ना, क्या ई इज इक्वल टू 3K 1 - 2 μ, ठीक है। निकालना क्या, बल्क मॉडुलस, ई का रिजल्ट वहाँ पता है 191.73 इंटू 10^3 इज इक्वल टू 3, और K हमें फाइंड आउट करना है, 1 - 2 इंटू म्यू का रिजल्ट आ चुका है अभी जस्ट 0.28, ठीक है, 1 - 2 इंटू 0.28। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से K का रिजल्ट आ जाएगा हमारा 145.25 इंटू 10^3 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, यहाँ से के निकल गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ई का रिजल्ट मैं पुट नहीं किया था, तो ई का रिजल्ट आपको पता है 191.73 इंटू 10^3, यहाँ जब पुट कर दीजिएगा और जब सॉल्व कीजिएगा तो म्यू का रिजल्ट इतना आएगा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्या निकालना है, लास्ट हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो निकाल लीजिए उसको भी, ये भी रिलेशन हम लोग अभी बात कर चुके हैं। वी नो डैट क्या, ई इज इक्वल टू 2g1 + μ, ये रिलेशन था ना, ई इज इक्वल टू 2g1 + μ। यहाँ से ई का रिजल्ट कितना है, 191.73 इंटू 10^3 इज इक्वल टू 2g फाइंड आउट करना है, 1 + μ 0.28। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जी का रिजल्ट आ जाएगा हमारा, जी का जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा 74.89 इंटू 10^3 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, बस यही निकालना था। अब आप देखिए और बताइए कि कहाँ इसमें टफ है, कहीं भी टफ नहीं है, बस क्वेश्चन आपका लेंथी था और कुछ भी टफ नहीं है। एक जब निकलेगा ना तो दूसरा तीसरा चौथा खुद ब खुद निकलता चला जाएगा, बस आपको कॉन्स्टेंट होके
क्वेश्चन को रीड करना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। अब क्वेश्चन कुछ और कह रहा है और रीड आप कुछ और कर रहे हैं और रिजल्ट कुछ और आ रहा है, तो वो फिर आपका प्रॉब्लम है। क्लियर? अब यहाँ पे जो चीज़ आपको समझ में नहीं आया, जिस में भी कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।